मीरा भाईंदर वसे विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले अचोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत मोबाइल चोरी स्नैचिंग की वारदातें काफ़ी बढ़ती जा रही थी। वहीं इस मामले में अचोली पुलिस की अपराध शाखा टीम ने तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा सूचना के आधार पर अचोली गांव में ही रहने वाले विनायक पद्मा पुजारी और महावीर सिंह इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। वहीं इन दोनों आरोपियों के पकड़े जाने से अन्य चार आपराधिक मामलों का खुलासा भी हुआ है। वहीं इन आरोपियों के पास से पुलिस को 75,000 का माल भी बरामद हुआ है। वहीं इस बारे में DCP चंद्रकांत जाधव ने मीडिया को जानकारी दी। 26 मार्च को एक अचोली पुलिस स्टेशन के एरिया में फिटनेस क्वीन जिम है, वहाँ पे एक मोबाइल रॉबरी का गुनाह दर्ज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक 27 तारीख को उसी टाइप का इंसिडेंट मोबाइल स्नैचिंग रॉबरी का गुनाह दाखिल हो गया था। उसी हिसाब से दो दिन लगातार गुने होने की वजह से हमारे परिमंडल जोन 2 की DCP मैडम पूर्णिमा चौगली मैडम और इधर के सीनियर इंस्पेक्टर जो चंद्रकांत सरोदे है डिटेक्शन और क्राइम पी है गोहली साहब है, डिटेक्शन ऑफिसर AK सूर्यवंशी है, APS सुहास मात्रे, PSI सुहास मात्रे, PSI भोसले और इनका स्टाफ जो है हवलदार दाईगड़े कालकुंड भवर और संगमे कचरे बंडगर, ये जो लोग हैं इनको डिटेक्शन के बारे में सूचना दी गई थी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्होंने काफ़ी छानबीन के बाद दो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। वो दोनों आरोपी की तरफ से ये दोनों जो केसेस हुए हैं 26-3 के और 27-3 की जो रॉबरी जबरी चोरी की गुने हैं वही दोनों ऑफेंस डिटेक्ट हो गए हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ के अचोला पुलिस स्टेशन के घरपोड़ी जो है और एक चोरी का मामला, ये चार केसेस इनके पास से डिटेक्ट हुए हैं और इसमें अब तक 75,000 रुपये का मुद्देमाल पुलिस ने रिकवर कर दिया है। इनका बैकग्राउंड क्या है सर, कहाँ से रहने वाले हैं ये रहने वाले अचोला पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहते हैं, थोड़े से मतलब नशीड़े लोग हैं ये, तो इन्होंने ये कर दिया है। इनके बारे में और कहाँ पे दूसरे कोई केसेस है इसका पुलिस छानबीन कर रही है और दूसरे पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने कुछ इसी टाइप के केस दर्ज है क्या इनके खिलाफ या किया है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है।